नमस्कार, मैं हूं रोशनी, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते विस्तार से। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स एवं फायर सर्विसेज के क्षमता निर्माण पर दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। आज सम्मेलन के दूसरे दिन प्रदर्शनी में उपकरणों के बारे में अमित शाह ने जानकारी ली। जयपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाने में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पिता के द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में बच्ची की मां ने अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवा दिया है। फिलहाल आरोपी पिता फरार है। विजयनगर कच्ची बस्ती में रहने वाले अचरोल के किराएदार ने दर्ज कराया है कि जब वो काम पे गई हुई थी तो पीछे से उसकी बच्ची के साथ उसके पति ने बलात्कार का प्रयास किया दरवाजा करके, और उसके मकान मालकिन ने उसको देखा और बच्ची को। तो इस मामले में किसकी कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ? अभी जांच जारी है। अजमेर के पिसांगन उपखंड के जेठाना ग्रामवासियों ने सरपंच पन्नालाल गिणा के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम समरदीप भाटी को ज्ञापन सौंपा और मांग नहीं मानने पर सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग करने के साथ भविष्य के चुनावों में बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। कोटा में 25 जून को किशोरपुरा थाना क्षेत्र के साजीदेड़ा से अपहरण हुई नवविवाहिता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद दुल्हन के पिता की सदमे से मौत हो गई है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शव को लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही आरोपी मोनू पठान की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। आरोपी मोनू पठान पर पिस्तौल की नोक पर दुल्हन के अपहरण का मामला है। कौन? बेटी के गम से हुआ। वही रात को जो लड़की के साथ ले गया उनको, लड़का भी, लड़के के घर वाले भी आए थे, सब रात को चमका गए। रात को कि हम उनको मार देंगे, ये वो लड़ाई करने आए थे, तो टेंशन में थे। आमजन में विश्वास के पहल पर काम करने वाले पुलिस ने एक बार फिर से केवल अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है, बल्कि परिवादी को भी सम्मानित किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक, दो और तीन, इन तीन लुटेरों ने एक दो नहीं बल्कि देश के 13 राज्यों के अनेकों लोगों को ठगा है। ये गैंग आम चोरी की तरह सामान चोरी नहीं करता था, बल्कि विदेश से मंगवाए जाने वाली डीजी ट्रैक मशीनों को चोरी करता है, जिसकी मार्केट में कीमत लाखों रुपए है। केवल नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाली यह मशीन विदेशों से मंगवाई जाती है। को थाना बीचवाल पे सूचना प्राप्त हुई कि रिलायंस जियो, रिलायंस टेलीकॉम द्वारा अंडरग्राउंड केबल डालने का गंगानगर रोड पर कार्य किया जा रहा था, और इस केबल को डालने में एक डिजिटल अंडरग्राउंड ट्रैकिंग मशीन जो उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम ली जा रही थी, उस ट्रैकिंग मशीन की चोरी कर ली गई है और या छीन के ले गए। इस सूचना पर थाना बीचवाल पे रिपोर्ट दर्ज हुई, तो ये जानते हुए कि एक महंगी मशीन है और इस प्रकार की वारदात को बड़ा गिरोह कर सकता है, तो इसके लिए वारदात की खुलासे के लिए हमने एडिशनल एसपी सिटी भवन, सीओ सदर श्री भोजराज सिंह और एसएचओ बिछवाल
श्री मनोज कुमार के और एक सब इंस्पेक्टर जसवीर के साथ हमने टीम गठित की। एक गिरोह, इस गिरोह के तीन सदस्यों को तीन को दिल्ली से हमने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह मूलतः ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीनों का लूटने का और चोरी करने का कार्य करता है, जिसको कि डिजिट्रैक के नाम से जाना जाता है। ये मशीन वह सारी फर्म्स, कंपनियां, कॉन्ट्रैक्टर्स काम में लेते हैं जो अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम करते हैं या किसी भी तरह सड़क के नीचे अंडरग्राउंड कार्य करते हैं। बीकानेर पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि यह गैंग शातिराना अंदाज में वारदातों को अंजाम देता रहा है। इस मौके पर पहली बार ऐसा देखने को मिला जब पुलिस ने परिवादी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया, जिससे पुलिस पर लोगों का विश्वास कायम रह सके। गौरतलब है कि ये गैंग अब तक 40 मशीनों की चोरी कर चुका है। वहीं पुलिस ने इस गैंग के मुख्य सरगना सहित तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक कार सहित तीन मशीन बरामद किए हैं। बिछवाल थाना पुलिस और आईटी सेल के दीपक कुमार की सूझबूझ से इस गैंग को गिरफ्तार में लिया जा सका है। न्यूज इंडिया के लिए बीकानेर से कैलाश राज पुरोहित की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा में अमित शाह की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने निराधार बताया। वहीं बीजेपी ने कविंदर गुप्ता ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद का कारण लोकसभा में शाह ने नेहरू की नीतियों को बताया था। हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जब वो कुछ बोलते हैं ना तो वो ऐसे नहीं बोलते, उसके लिए बहुत लंबी स्टडी करते हैं और ऑथेंटिक बात कहते हैं, और ये सच्चाई है। कल जम्मू कश्मीर के मामले में बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर की ये दुर्दशा कांग्रेस की देन है। आज 40,000 चुने हुए पंचायत के अध्यक्ष वो अपना शासन खुद अपने हाथ से चला रहे हैं। ये पहले भी हो सकता था और आगे भी, जैसे चुनाव आयोग कराएगा चुनाव, एक बहुत अच्छे ढंग से वहां चुनी हुई सरकार आएगी। कल गृह मंत्री जी ने फ्लोर पे स्पष्ट किया। देश के गृह मंत्री अमित जी शाह ने बड़े विस्तार से इस विषय पर बोला। जो विपक्ष आलोचना कर रही है वो इस बात को कैसे भूल सकती है कि जो अमित भाई शाह ने स्पष्ट कहा कि विभाजन किसने किया, भाजपा का क्या लेने देना विभाजन से, क्या एक तिहाई जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, भाजपा कहां, देश के पहले प्रधानमंत्री। और जिस प्रकार से आज इस आरक्षण में संशोधन की आवश्यकता है कि जो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, जो छूट गए, क्या वो गोलाबारी और इसके शिकार नहीं होते, अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन के शिकार नहीं होते, इनको भी कुछ मिलना चाहिए, उसी के अंदर इसको संशोधन किया जा रहा है। तो इन सारे विषयों पर आज बड़े विस्तार से और स्पष्ट रूप से हमारे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह बोले। देखिए, अमित शाह जी नया इतिहास लिखना चाह रहे हैं, ऐसा है कि 2/3 जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, तो इसके लिए किसको वो क्रेडिट देते हैं, संघ परिवार को या भारतीय जनता पार्टी को? एक तो कोई बात कहने से पहले इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, मैं अमित शाह जी को यही सलाह दूंगा। जम्मू में 3 दिन पूर्व हुए ट्रोले और कार की भिड़त के मामले ने एक नया खुलासा किया है। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कुछ और ही माजरा सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक सफेद कार में पुलिसकर्मी ट्रोले को हाईवे पर रुकवाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार खड़े ट्रोले में जा घुस जाती है। इस घटनाक्रम में आरटीओ की गाड़ी होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब से सीसीटीवी फुटेज आने के बाद में साफ तौर पर तय हो गया है कि इस प्राइवेट कार में कुछ पुलिसकर्मी थे जो चोमू थाने से हैं। वहीं एनएचआई की गाइडलाइन के अनुसार पुलिस हाईवे पर बड़े वाहनों को चेकिंग के नाम पर नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि इस हादसे में दूल्हे की मौत के बाद मृतक के पिता ने आरटीओ विभाग द्वारा ट्रोले को हाईवे पर रोकने के चलते ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से हादसे होने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि खबर राजस्थान के चोमू से है, जहां निजी कार से नियमों के विरुद्ध की गई थी कार्रवाई, हादसे में दूल्हे की हुई थी मौत।
ट्रेलर और हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जहां पर एक नया खुलासा सामने आ गया है। आपको बता दें कि हादसे में दूल्हे की मौत हो गई थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद में निजी कार से, आपको बता दें खबर राजस्थान के चूमू से है, निजी कार से पुलिसकर्मियों ने रुकवाया था ट्रोला, जिसको नियमों के विरुद्ध की गई थी कार्रवाई, जिसमें एक दूल्हे की मौत हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में बारिश आफत बनकर आई है। देर रात पुणे की एक पार्किंग सोसाइटी की 20 फीट ऊंची दीवार मजदूरों के घर पर गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं दीवार गिरने से कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। भिलवाड़ा शहर में पांसल चौराहे पर बाइक पर सवार छात्र संघ अध्यक्ष सहित तीन युवकों का चालान काटने को लेकर पुलिस और छात्रों में विवाद हो गया। इस विवाद में एमएलवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों की धक्का मुक्की के बीच एक दीवार की वर्दी तक फट गई। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में तमाशबीन मौजूद हो गए। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के साथ पुलिस से मारपीट करने वालों के खिलाफ छात्र संघ अध्यक्ष शंकरलाल गुज्जर सहित आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तेरह वर्षों से शैक्षिक सुविधाओं से वंचित बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के जगरगुंडा क्षेत्र में छात्रों को 24 जून से एक नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने का एक आशा की किरण दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कावासी लखमा ने लड़कों और लड़कियों के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, शैक्षिक आश्रमों और छात्रावासों का उद्घाटन और पुनः आरंभ किया है। मंत्री ने छात्रों को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में और 13 साल के अंतराल के बाद शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से खोलने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए सलवा जुडुम आंदोलन के दौरान हिंसा के कारण लोग अपने गाँव छोड़कर राहत शिविरों में चले गए हैं। 13 साल के बाद जगरगुंडा में वहाँ पर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोला गया है और इसका उद्घाटन 24 तारीख को राज्य के सम्माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा जी के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जब हम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे, 13 साल पहले वहाँ पर सभी संस्थाएं संचालित होती थी, लेकिन सलवा जुदूम की आंधी ने सभी संस्थाओं को लील लिया। अब ये हमारे सामने चुनौती थी कि वहाँ पर पुनः कैसे सभी संस्थाओं को संचालित किया जाए, वापस लेकर जाया जाए। इस संदर्भ में वहाँ के लोगों ने आए और उन्होंने बोला कि हम लोग अपनी, हमारे गांव की संस्थाएं, हमारे गांव का स्कूल, हमारे गांव का आंगनबाड़ी हमारे गांव में ही चले, हमारे गांव का अस्पताल हमारे गाँव में ही चले। और उन लोगों ने ग्राम सभा स्वमेव, स्वस्फूर्त ग्राम सभा करके ये प्रस्ताव पारित किया। जापान के ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज समिति के सेशन 3 में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने शिरकत की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आप देख सकते हैं सेशन 2 की ये तस्वीरें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इस दौरान शुक्रवार को कई प्रदेश अध्यक्षों समेत 120 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने पर अड़े हुए हैं। हाल ही में राहुल ने दुख
जताते हुए कहा था कि किसी मुख्यमंत्री, महासचिव या प्रदेश अध्यक्षों ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि अब कांग्रेस में इस्तीफों की बारिश हो गई है। इसमें AICC सचिव, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस पर आगे और नेता भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। राहुल गांधी के सम्मान में ये सामूहिक इस्तीफे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में शुक्रवार को जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में CRPF के सब इंस्पेक्टर से 3 जवान शहीद हो गए, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। जो अधिकारियों ने शहीद जवानों की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, वहीं जवानों ने भी सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की भी मौत हो गई थी, जबकि एक जख्मी है और जगतपुर के अस्पताल में भर्ती है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में संचालित हिंदुस्तान जिंक के इकाई में कार्यरत ठेका कंपनी SS लिमिटेड के मैनेजर के साथ हुई मारपीट के मामले में आज इंटेक के पदाधिकारी घनश्याम सिंह राणावत के नेतृत्व में मजदूरों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट बैगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी के इशारे पर किए जाने के आरोप लगाए हैं। DGP CIDCB विकास कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में मैनेजर अशोक कुमार के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। एक आदमी को पहचानता हूं, बाकी जो है फुटेज कैमरा में आया है नाम, अभी ये फोटो आया है लेकिन वो क्लियर फोटो नहीं आया। किसका हाथ है इसके पीछे और क्या मामला हुआ ये बताओ। तो इससे पहले वो जब जिसमें मारपीट किया, मारपीट करने वक्त वो बोला तुम विदुरी साहब का फ़ोन नहीं उठाते हो और काम नहीं करते हो, इसलिए अभी मारा हूँ और दोबारा भी आऊँगा मारा। झारखंड में तबरेज अंसारी को भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने और जबरन जय श्री राम बुलवाने के विरोध में मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार को मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाजजनों ने शहर काजी के नेतृत्व में नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में SDM लक्ष्मी गामन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने और तबरेज के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने पर रोक लगाने की मांग की है। जान चली गई तो इन लोगों की इंसानियत तो खत्म हो गई। अब उसकी एक औरत है, सिर्फ वो कह रही कि मेरे पति के सिवा मेरा कोई भी नहीं है और मैंने ना मेरे माँ बाप है ना तबरेज के माँ बाप है, इस पर्पज से मैंने इनसे शादी करी थी कि हम दोनों एक जैसे। पर इन गुंडे लोग और जो बदमाश लोग हैं जिनके दिलों में रहम नहीं आया और इंसाफ नहीं, उन्होंने पिट पिट के उसके पति को मार डाला। आज वो जो बेचारी अबला है, इसलिए एक औरत होने के नाते मैं उस औरत का फेवर में बोलूँगी कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम से मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसा जो काम हो रहा है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ, अभी कल का ही वाकया है या आज सुबह का ही, कि उदयपुर के अंदर भी एक शख्स को जो अधेड़ उम्र का था उसको बहुत मारा गया, यहाँ तक कि दोनों पैर भी टूट गए, उसका एक हाथ भी टूट गया। तो ये हमें देखते हुए आजकल जो हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन आदमियों को सज़ा देना चाहिए। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक ने प्रदर्शन करते हुए SECL जोहिला एरिया के GM को ज्ञापन पत्र सौंपा। मजदूर संघ ने ठेका प्रथा पर काम करने वाले मजदूरों के 43 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन कर GM को ज्ञापन सौंपा। मंत्री हरिद्वार सिंह ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि किसी भी मजदूरों को शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, पूरे SECL के अंदर 27 तारीख से 27 जून से लेकर के और 10 जुलाई तक पूरे SECL के अंदर सारे क्षेत्रों के अंदर हम जो है 46 पॉइंट इशू पर हम जो है ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है जोहिला से हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।